गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज सैयद ताहा कादरी फ्रॉम केम टॉक्स, और वापस आप सभी का स्वागत है छोटी सी वीडियो में, छोटे से ब्लॉग में। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं वही करंट चीजें, वही घटनाएं जो हम अक्सर डिस्कस करते आ रहे हैं। अभी अभी आपने सुना होगा जर्मनी के बारे में। जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, यानी अगर आपने रशिया का इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन देखा होगा तो उसमें आपने यूरोपियन नेशन को बनते हुए देखा होगा, यूरोपियन कंट्रीज के ज्वाइंट सेशन को देखा होगा। मैं उसकी बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा जर्मनी की। और जर्मनी की हिस्ट्री अगर जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सीधे आते हैं उसके करंट टॉपिक पर। अभी रिसेंट न्यूज़ है कि जर्मनी में रिसेशन आ गया है, यानी जर्मनी अकेले एक ऐसा कंट्री है जो पूरे यूरोपियन यूनियन के 100% मान लेते हैं कि 100% एक जीडीपी का ग्रोथ रेट है, उस 100% में से 25% कंट्रीब्यूट करता है अकेले जर्मनी। यानी जर्मनी अपने आप में एक बहुत बड़ा जीडीपी का पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है यूरोपियन यूनियन में, और उसके चलते अगर कहीं ना कहीं रिसेशन आ रहा है, यानी एक ऐसी स्थिति आ रही है जिसमें लोगों के जेब में पैसे नहीं है, हैं तो वो डिमांड क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं मार्केट में, मार्केट में सप्लाई बंद हो चुकी है, सप्लाई चेन बंद हो चुकी है, ब्लॉक हो चुका है मार्केट, इस स्थिति को हम समझेंगे बहुत डिटेल में कि रिसेशन क्या करेगा जर्मनी में, और जर्मनी का रिसेशन यूरोपियन यूनियन पे क्या इफेक्ट डालेगा, और यूरोपियन यूनियन की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से बाकी कंट्रीज पे क्या असर पड़ेगा यूरोप के, सबको हम डिस्कस करेंगे छोटी सी वीडियो में। लेट अस स्टार्ट। देखिए, यूरोपियन यूनियन एक ऐसा यूनियन है जो अपनी अलग इकोनॉमी लेके चलता है अलग अलग कंट्रीज की। तो जर्मनी अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है जो जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप समझिए रिसेशन होता क्या है। रिसेशन ऐसा टर्म है, इकोनॉमिक्स का टर्म है, अर्थशास्त्र जो पढ़ा होगा वो समझिएगा, आप लोग भी समझिए कि रिसेशन में होता क्या है कि जो वृद्धि होती है, जो इकोनॉमी में वृद्धि चल रही है कंट्री में, यानी जो अप जा रही है इकोनॉमी, ऊपर जा रही है इकोनॉमी, ग्रोथ रेट है इकोनॉमी का, वो जैसे डिक्लाइन होता है, डिक्लाइन होने का मतलब कि थोड़ा बहुत डिक्लाइन नहीं होता है, लगातार दो क्वार्टर्स तक डिक्लाइन होता है, ये परिभाषा है। परिभाषित करेंगे रिसेशन को तो हम समझेंगे कि लगातार दो क्वार्टर तक किसी भी कंट्री की जीडीपी अगर नेगेटिव में आ गई है या डिक्रीज कर रही है, तो डिक्रीज ही नहीं बल्कि निगेटिव में भी आ सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है लगातार दो क्वार्टर तक, तो हम उसको रिसेशन का पीरियड कहते हैं, रिसेशन का समय कहते हैं। इस वक्त जर्मनी में रिसेशन ही चल रहा है। क्यों चलेगा? उसका सिंपल कारण है कि लोगों की जेब में पैसा नहीं है। लोगों की जेब में पैसा नहीं है इसका मतलब मान लीजिए कि 100 लोग हैं पूरे कंट्री में, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो 100 लोग साल भर में 100 रुपए कमा रहे हैं, और कुछ समय बाद यानी एक साल बाद, जस्ट एक साल बाद वही लोग कमाने लगे 98 रुपए साल का, वो 100 लोग 98 रुपए साल का कमाने लगे। इसका मतलब कि उनके उनकी इकोनॉमिक्स में, उनकी डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स में, उनकी अपने घर की अर्थव्यवस्था में 2 रुपए की कमी आई है। अब ये 2 रुपए की कमी उनके अपनी अर्थव्यवस्था में जो आई है ये क्या असर डालेगी इकोनॉमी पे कि पूरी इकोनॉमी का चाल चलन बदल जाएगा। यानी आप समझिए कि जो चेन इकोनॉमी की, जो चेन यानी डोमेस्टिक इकोनॉमी से लेकर वर्ल्ड इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, फिर बैंकिंग सेक्टर, और फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर, फिर कॉरपोरेट सेक्टर, जितने सेक्टर्स हैं सब कहीं ना कहीं इससे इफेक्ट होंगे। कैसे इफेक्ट होंगे? उसे एक सप्लाई और डिमांड चेन से मैं आपको समझाता हूँ, मार्केट इकोनॉमी से आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि रिसेशन क्या करेगा जर्मनी में। जर्मनी कुछ दिन पहले भारत का मजाक उड़ा रहा था पॉपुलेशन में, हम उस पर नहीं जाएंगे, हम सीधे मजाक नहीं उड़ाएंगे, हम समझेंगे कि रिसेशन क्या होता है। देखिए, जर्मनी का रिसेशन में हो क्या रहा है कि मान लीजिए 100 लोग हैं, वो 98 रुपए कमा रहे हैं इस साल, पिछले साल 100 रुपए कमा रहे थे, अब 98 रुपए उनकी जेब में आ रहा है, दे आर अर्निंग 98 रुपीज, बट स्टिल क्या चीजों का दाम नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। अगर एक देश चल रहा है तो उसमें दाल, चीनी, तमाम ऑयल रिसोर्सेस के, इसके उसके दाम बढ़ेंगे। जब दाम बढ़ेंगे तो लोग 98 रुपए की जगह और कम पैसा कमाना शुरू करेंगे, यानी कि जो इनकम, जो डिस्पोजेबल इनकम एक शब्द होता है इकोनॉमिक्स में, समझिए डिस्पोजेबल इनकम, आपने अपना खर्चा निकालने के बाद जो आपकी जेब में पैसा बचा वो आपका डिस्पोजेबल इनकम है। अब इस डिस्पोजेबल इनकम को ही समझिए, डिस्पोजेबल इनकम से आपको समझ में आएगा रिसेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है। रिसेशन पे फर्क ये पड़ेगा कि हमारी जेब में 98 रुपए था, प्राइस हाइक हो गया, जो हम सामान रोज दाल आटा गेहूं चावल जो हम खरीद रहे हैं उसका प्राइस हाइक हुआ, हमारे जेब में 98 रुपए से वो पैसा 95 पे पहुंच गया। जैसे ही वो पैसा 95 पे पहुंचा, खाली हमारे जेब में नहीं पहुंचा, कंट्री के हर सिटीजन के जेब में 95 रुपए पहुंचा अपने अपने सेक्टर के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं टोटल जीडीपी जितना कंट्रीब्यूट कर रही थी
वो जीडीपी माइनस में जा रही है, वो जीडीपी नीचे जा रही है, वो जीडीपी का ग्रोथ रेट कम हो रहा है क्योंकि लोगों के जेब में पैसा कम है। जो लोग जब लोगों के जेब में पैसा कम है तो मार्केट में पैसा कम लगाएंगे, यानी मैं मार्केट कम जाऊंगा मैं पैसा ज्यादा बचाऊंगा। जब मैं मार्केट कम जाऊंगा तो मार्केट में डिमांड क्रिएट नहीं होगी, जब मार्केट में डिमांड क्रिएट नहीं होगी तो सीधी सी बात है सप्लाई करने वाली यूनिट सप्लाई नहीं करेगी। बात को समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो फैक्ट्रीज में माल बन रहा है, सामान बन रहा है, वो बनना बंद हो जाएगा। जैसे ही वो सामान बनना बंद होगा वैसे ही सप्लाई चेन ब्लॉक हो जाएगी पूरे मार्केट की। डिमांड इज स्टिल ब्लॉक्ड, सो हेयर द सप्लाई चेन इज ब्लॉक्ड। तो मार्केट इकोनॉमी में, जहां पे हम मार्केट इकोनॉमी, देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूं, रशिया के समय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। मार्केट फोर्सेस दो ही होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड है तो सप्लाई है, सप्लाई है तो डिमांड है, दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव रेट में चलते हैं, साथ में चलते हैं, साथ में लेके चलते हैं पूरे मार्केट को। अब पूरा मार्केट ब्लॉक होगा, जब पूरा मार्केट ब्लॉक हो रहा है तो जीडीपी कहां से आएगी देश की? जीडीपी आएगी हमारे घर से नहीं, मार्केट से। पूरी जीडीपी का सबसे बड़ा पार्ट जो कंट्रीब्यूट हो रहा है वो मार्केट से तो हो रहा है ना। मार्केट में रोज कोई ना कोई सामान बन रहा है, बिक रहा है, लोग जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं, कैश फ्लो है मार्केट का। कैश फ्लो समझिए, पूरा कैश फ्लो बंद हो गया। कैश फ्लो बंद हुआ, जीडीपी पिछले साल जितनी थी या पिछले 3 महीने पहले या पिछले 6 महीने पहले जितनी थी, अगले 3 महीने के अंदर उसकी आधी हो गई, 2-3% नीचे आ गई। मान लीजिए 7% पे जीडीपी चल रही है, 3-4% नीचे गिर जाएगी फौरन, क्योंकि हर सेक्टर प्रभावित हो रहा है। लोगों के जेब में भी पैसा नहीं है, लोग मार्केट जाना बंद कर देंगे, लोग पैसा बचाएंगे, और जब पैसा बचाना शुरू करेंगे उनको पता चलेगा कि इस पैसे का यूज ही नहीं ना मार्केट में। तो जब पैसे का यूज नहीं ना मार्केट में, इसका मतलब पैसे की वैल्यू डिक्रीज हो गई। जहां पैसे की वैल्यू डिक्रीज हुई वहां इकोनॉमिक्स नीचे आ गई उस देश की, उस देश की अर्थव्यवस्था नीचे आ गई। तो अर्थशास्त्री इसी सारे सिम्टम्स को समझते हुए कहते हैं कि रिसेशन एक डिजीज की तरह होता है, डिजीज हो जाती है जैसे एक इंसान को, उस तरह रिसेशन एक डिजीज है जो मार्केट की डिजीज है, देश की नहीं है। देश तो कैसे भी संभाल लेगा, बाद में इकोनॉमी चेंज कर देगा, ओपन इकोनॉमी कर देगा, फ्री इकोनॉमी कर देगा, फ्री ट्रेड कर देगा, देश कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएगा, मगर ये बीमारी मार्केट को लग जाती है। तो ये कुछ समय के लिए, अगले 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 3 महीने के लिए जीडीपी की ग्रोथ रेट को डिक्रीज करती चली जाती है। अब जर्मनी में क्या हुआ, यही सारी चीजें होने के कारण प्राइस हाइक हो गया, और साथ ही साथ जो है पॉपुलेशन वहां पर है भी, आप जानते हैं, ये सब कारणों से मार्केट की सप्लाई चेन और डिमांड चेन ब्लॉक हो गई है, यानी मार्केट ब्लॉक में चल रहा है। जब मार्केट ब्लॉकेज में चल रहा है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। यूरो जो यूरोपियन यूनियन की ऑफिशियल करेंसी है, 20 से ज्यादा कंट्रीज उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो यूरो करेंसी अपने आप में उसकी वैल्यू कम होती जा रही। लोग कह रहे हैं इस यूरो का मैं क्या करूं यूरो का, जब मैं खर्च नहीं कर सकता, जब खर्च करूंगा तभी तो जेब से निकालूंगा यूरो को। जैसे आपने देखा था 2000 के नोट की वैल्यू खत्म हो गई तो लोग खर्च क्यों करेंगे उसको, उसी तरह अगर यूरो की वैल्यू कम होती गई तो ये ग्लोबल लेवल पर रिसेशन का कारण बन सकती है उन 20 कंट्रीज के लिए जहां यूरो चल रहा है। तो अब आप समझिए, पूरी टेक्निकलिटीज को समझिए कि इकोनॉमिक्स भी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। देखिए हमने शुरू किया था जर्मनी से, जर्मनी के रिसेशन से हम आ गए ग्लोबल रिसेशन पर। 20 कंट्रीज अगर दुनिया में, यूरोपियन यूनियन की 20 कंट्रीज की इकोनॉमी अगर हिल गई, अगर वहां रिसेशन आना शुरू हो गया तो यूरो की वैल्यू घट जाएगी, यूरो यूज होना बंद हो जाएगा। डॉलर जैसे करेंसीज आगे बढ़ेंगी, अप्रोच करेंगी उन मार्केट्स को, या चीन की करेंसी उस मार्केट को अप्रोच करेगी तो उस मार्केट की अपनी वैल्यू खत्म, उस मार्केट की इकोनॉमी खत्म, उस मार्केट की सप्लाई चेन, पता चला अमेरिका चला रहा है और हो सकता है डिमांड वहां चीनी माल की हो जाए, चीनी सिस्टम चलने लगे, चाइनीज माल की डिमांड होने लगे। तो देखिए डिमांड सप्लाई पूरे मार्केट को धीरे 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 बदल देती है। यही होता है करेंसीज के साथ कि करेंसी की वैल्यू डीवैल्यूटेड होती चली जाती है जहां पर रिसेशन आता है। जर्मनी के इस समय काल में हम सब जर्मनी के साथ हैं और आगे भी हम हर उस देश के साथ रहेंगे जहां रिसेशन है, चाहे वो हमारा देश हो या ना हो। दुनिया तो हमारी है, प्लेनेट को बचाइए, पेड़ पौधे लगाइए। मिलते हैं
अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।